व्हाट्सअप गाइस, दिस इज इरम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका फायदा होगा कि इन फ्यूचर मैं अपनी कोई भी वीडियोस अपलोड करूंगा देन सबसे पहले आपको पता चल जाएगा एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज फिर यूट्यूब के 3 न्यू व्हाट्सअप के धमाकेदार अपडेट आ गए हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड तीनों अपडेट बहुत ही ज़्यादा काम के हैं गाइस। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक अपडेट तो ऐसा है जिनका हम सभी लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं फटाफट बताता हूँ कि वो कौन से 3 गजब के अपडेट हैं जिनकी वजह से अब हमें यूट्यूब पर काम करने में और भी ज़्यादा आसानी होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं गैस अपडेट नंबर 1, ऐड लोकेशन इन शॉर्ट वीडियोस। इसके अकॉर्डिंग गैस पहले होता क्या था, हम यूट्यूब पर कोई भी लॉन्ग वीडियोस बनाकर अपलोड किया करते थे और वहां पर हमें ऐड लोकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिला करता था। जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इस अच्छे ऑप्शन को इग्नोर कर दिया करते थे, बट काफ़ी सारे लोग इस पर क्लिक करके अपनी कोई भी लोकेशन ऐड कर दिया करते थे। सपोज दैट आपने कोई वीडियो बनाई ताजमहल से रिगार्डिंग और आपने लोकेशन ऐड कर दी कि आगरा ताजमहल, तो वहां पर हमारा आगरा ताजमहल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के टाइटल के नीचे कहीं पर भी टैग हो जाया करता था। कोई भी हमारी वीडियो को वॉच किया करता था तो वो लोकेशन पर जैसे ही क्लिक करता था तो वो डायरेक्ट गूगल मैप वगैरह की हेल्प से डायरेक्ट ताजमहल पर पहुंच जाता था। तो इस स्टेप से गाइस हम अपनी लॉन्ग वीडियोस में किसी भी वीडियो की लोकेशन ऐड कर दिया करते थे। बट यूट्यूब ने थोड़े दिन पहले बताया था गाइस कि ये फीचर शॉर्ट वीडियोस में भी आने वाला है एंड फाइनली यूट्यूब ने इस अपडेट को लॉन्च कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अपडेट अब हम अपने शॉर्ट वीडियोस में भी किसी भी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा गाइस, अब हम किसी भी लोकेशन पर जाएंगे, कहीं ब्लॉगिंग पर जाएंगे, कहीं ट्रैवलिंग पर जाएंगे और एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने कैमरे से अगर शूट कर लेंगे तो हम उस शॉर्ट वीडियो में भी अपने लोकेशन ऐड कर सकेंगे। सपोज दैट आप किसी स्टेशन पर घूम रहे हैं तो आप स्टेशन की लोकेशन डाल सकते हैं, आप किसी ट्रैवलिंग प्लेस पर घूम रहे हैं तो आप शॉर्ट क्लिप बनाकर उसकी लोकेशन वहां पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी व्यूअर आपकी शॉर्ट वीडियो को वॉच करेगा तो वो उस लोकेशन पर क्लिक करके डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा और आसानी से समझ जाएगा कि आपने जो शॉर्ट वीडियो शूट किया है ये कहां से शूट किया है। तो ये बहुत ज्यादा गजब का फीचर मुझे लगा गाइस, क्योंकि अब हम कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें आसानी से अपनी लोकेशन ऐड कर सकेंगे। बात करते हैं अपडेट नंबर 2 की गाइस, जिसका नाम है सब्सक्राइबर एनालिटिक्स। जैसा कि आपको मालूम है गाइस कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो हम बनाकर अपलोड करते हैं तो हम अपने व्यूज की जो है एनालिटिक्स वहां पर चेक कर सकते हैं कि हमारे 28 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, पिछले 28 घंटों के अंदर हमारी वीडियोस पर कितने व्यूज आए हैं, हमारी वीडियोस किस किस जगह पे वॉच की जा रही है, कौन कौन लोग हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अपडेट गाइस, अब हम यूट्यूब के YT स्टूडियो ऐप में जाकर अपने सब्सक्राइबर्स की एनालिटिक्स भी प्रॉपरली चेक कर सकेंगे। इस अपडेट को यूट्यूब ने रोल ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। इसको आप किस स्टेप से चेक करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपने YT स्टूडियो ऐप में जाना है, वहां पर आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कंटेंट का ऑप्शन देखेंगे। कंटेंट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्राइबर्स का एक अलग सेशन वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से अपने व्यूज की तरह अपने सब्सक्राइबर्स की एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं कि आपके पिछले 7 दिनों में, पिछले 90 दिनों में, पिछले 24 घंटों के अंदर कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। एंड यहां पर सबसे ज्यादा काम की बात यह है गाइस कि इस फीचर की हेल्प से आप ये भी पता कर सकेंगे कि आपकी किस किस वीडियो से कितने कितने सब्सक्राइबर्स आपको कब कब गेन हुए। सपोज दैट आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड की तो आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि शॉर्ट से कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, आपकी लॉन्ग वीडियो से आपको कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, आपको लाइव वीडियोस अगर आपने किए तो उससे कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो स्टेप से आप आसानी से अपने सब्सक्राइबर्स की एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि आप अपने सब्सक्राइबर एनालिटिक्स को चेक करने के बाद उनको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरी किस वीडियो से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और आप अगर उन्हीं टॉपिक्स पर दूसरी और वीडियोस बनाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है गाइस फॉर दोस्त जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। एंड बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, अपडेट नंबर 3, जिसका नाम है शॉर्ट नोटिफिकेशन। शॉर्ट नोटिफिकेशन देखकर ये मत समझिएगा गाइस कि कोई छोटी मोटी अपडेट होने वाली है, ये भी बहुत ज़्यादा बिगेस्ट अपडेट है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर कोई लॉन्ग वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं गाइस, तो आपको मालूम होगा कि लॉन्ग वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर ही हमारे सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच जाती है। आपने अभी एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड की, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच जाएगी, या जिन्होंने आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपकी वीडियोस रेगुलर बेस पे वॉच करते हैं उनके पास भी हमारी लॉन्ग वीडियोस की नोटिफिकेशन दे दी जाती है। बट गाइस, यूट्यूब पर हम कोई भी शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं तो यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब ज़्यादातर क्रिएटर्स के पास नहीं भेजता है। अगर आपने यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड की गाइस और आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो उन सारे सब्सक्राइबर्स के पास आपकी शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं सेंड की जाती, आपके कुछ ही सब्सक्राइबर्स के पास यूट्यूब की तरफ से आपकी शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सेंड की जाती है, वो भी डिले होकर। इनफैक्ट कभी 1 दिन बाद नोटिफिकेशन जाती है, कभी 2 दिन बाद जाती है, कभी 1 हफ्ते बाद जाती है और कभी 1 घंटे बाद जाती है। बट गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू फीचर अपडेट अब यूट्यूब ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि अब यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोज की तरह हमारी शॉर्ट
वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हमारे सब्सक्राइबर्स के पास, हमारे व्यूवर्स के पास सेंड करी जाएगी। सपोज दैट आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड की, तो लॉन्ग वीडियोस की तरह कुछ ही सेकंड्स में उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके सब्सक्राइबर के पास जाएगी। इनफैक्ट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट्स के शौकीन हैं लेकिन आपके उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपकी वीडियो रेगुलर बेस पर वॉच करते हैं, तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन उन लोगों के पास भी तुरंत सेंड कर दी जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं गाइस। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर्स के पास जाएगी तो हमारी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारा चैनल भी आसानी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, ये थे यूट्यूब के 3 धमाकेदार न्यू अपडेट्स, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताएगा कि आपको इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट अपडेट कौन सा लगा। एंड जो सब्सक्राइबर्स एनालिटिक्स वाला अपडेट मैंने आपको बताया था, उसको तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अभी अपने YT स्टूडियो ऐप में जाइए और चेक कीजिए कि क्या आपको सब्सक्राइबर एनालिटिक्स वाला अपडेट मिला या नहीं। एंड अगर अभी तक नहीं मिला है तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए, हल्के हल्के ये सारे क्रिएटर्स को रोल आउट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो को करते हैं पर फिनिश। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको तो मालूम है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देयर अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।